गुलहरिया थाना क्षेत्र के जंगल माघी में सोमवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को तमंचा सटाकर 2 लाख रुपए लूट लिया और वारदात के बाद असलहा लहराते हुए भटहट की तरफ फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दोपहर तक चेकिंग की, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला। एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी दिनेश कुमार पी, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गौरतलब है कि जंगल सिमरा निवासी मोहम्मद कयूम जंगल माघी चौराहे पर आयान डिजिटल स्टूडियो एवं ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। सोमवार की सुबह करीब 8:55 पर 2 बाइक पर 4 बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे। दुकान से थोड़ी दूर आगे बाइक खड़ी करने के बाद एक बबदमाश सड़क पर खड़ा हो गया। उसके 3 साथी ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे, मोहम्मद कयूम से रुपए निकालने की बात कही। आधार कार्ड मांगने पर तमंचा निकालकर कयूम के सिर पर सटा दिया। विरोध करने पर बट से सिर पर हमला कर काउंटर पर रखा बैग छीन लिया। वारदात के बाद बदमाश निकल गए, जिसके बाद संचालक ने घटना की सूचना 112 पर दी। सूचना मिलते ही एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी दिनेश कुमार पी व क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। बदमाशों की करतूत ग्राहक सेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज को कब्जे में लेकर क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने मास्क लगाया था, इस वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कद काठी व पहनावे के आधार पर पुलिस बदमाशों को ढूंढ रही है, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि घटना का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, बना रहे तुम लोग आया अंदर आया फोन पर भी खड़ा था, खड़ा था, मुझे ऐसा लगा। दो लोग इधर आके मार रहे थे, से हाँ वही कह रहा है, यही मैं सेटअप पूरा खुला रहा था, ये तो मैं भी कह रहा हूँ यार। खोल दो भैया, बना रहे तुम लोग आ जाओ अंदर आ जाओ। किसी का वायर हुआ तो उसको दे देते हैं।
आज से पैसे नहीं मिलते, इन लोग अंदर आते बाकी सारे तो बाहर मास्क लगा के रखे थे साल 50,000 कितना ₹2,00,000। अभी गुलरिया थाना क्षेत्र में बदरक चौकी क्षेत्र में एक अयान इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो जनसेवा केंद्र वगैरह जो चलाते हैं उनके यहाँ 8:30 8:45 के बीच में 3,000 लोग आए थे जो मुंह मास्क भी पहने हुए थे और 2 मोटरसाइकिलों से 5 लोग हैं जो 2 लोग बाहर खड़े हुए थे दिखाई दे रहे हैं। 3 लोग अंदर आए हैं और उनसे असला दिखाकर उनसे लगभग 2,00,000 के कैश जो वाजी बता रहे हैं उनसे बैग छीन के उनसे मारपीट करके असला दिखा के चले गए। मौके पर हम लोग जांच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करके उसी दौरान जल्द से जल्द इसको खुलासा होगा।